हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन एंड फॉर बायोलॉजी। दिस इज़ मनीषा चौहान एंड आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट MSc जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर 2018 को डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 40 तक। इससे पिछले जो वीडियो लेक्चर्स थे उनमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक कवर कर लिए है, तो आज हम फर्दर 10 क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हिकप्स कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। हिकप्स यानी किसकी बात हो रही है यहाँ पे? हिचकियों की बात हो रही है। देखो क्या होता है, आपकी बॉडी में एक मसल है जिसे हम बोलते हैं डायफ्राम, ये प्रेजेंट होती है लंग्स और स्टमक के बीच में। यानी ये लंग्स हो गए, ये डायफ्राम हो गया, ये आपका स्टमक हो गया। तो चेस्ट और स्टमक के बीच में क्या प्रेजेंट है? डायफ्राम है। ये डायफ्राम इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन में हेल्प करती है। होता क्या है, जब हम इनहेल करते हैं एयर यानी ब्रीद इन करते हैं, तो ये जो डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये नीचे की तरफ मूव कर जाता है, पुल डाउन हो जाता है, और जो एयर है वो ईजिली लंग्स के अंदर आ जाती है, ट्रैवल कर जाती है। एक्सहेलेशन के टाइम पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है डायफ्राम, ये अब रिलैक्स कर जाएगा जब हम एक्सहेल कर रहे हैं, तो जो एयर लंग के अंदर है वो कहाँ चली जाएगी? वो बाहर चली जाएगी। तो ये तो हो गया एक जनरल प्रोसेस। अब मान लो ये जो डायफ्राम है ये सडनली कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, तो इस सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, ये जो एयर को हम ब्रीद कर रहे हैं ना, वो एकदम से ब्रीद इन हो जाती है, तो वो हमारे थ्रोट तक एकदम से पहुँचती है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस जो मैं यहाँ से बताने वाली हूँ सडनली अकर हो रहा है। सडन कॉन्ट्रैक्शन हुई, सडनली जो एयर है वो थ्रोट तक पहुँची, और वो वहाँ जाके किसको हिट करेगी? वॉइस बॉक्स को हिट करेगी, जिसकी वजह से जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो सडनली क्लोज हो जाएंगे। इस पूरे प्रोसेस की वजह से एक वॉइस जनरेट होती है जिसे हम बोलते हैं हिचकी, या इंग्लिश में जैसे इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में हिकप्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने यही पूछा हुआ है कि ये हिकप्स क्यों होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस में थर्ड ऑप्शन देखो, जो कि इनकम्प्लीट इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन यानी इन्हेलेशन, और एक्सहेलेशन को हम बोलेंगे एक्सपिरेशन। ठीक है, तो जो कि इनकम्प्लीट इंस्पिरेशन, बिकॉज यहाँ पे सडनली हो रही है तो जो कि हो रही है, और इंस्पायर कर रहे हैं यानी एयर को हम ब्रीद इन कर रहे हैं तब हिकप्स जनरेट हो रहे हैं, है ना, सडन जो कंट्रैक्शन हुई है डायफ्राम की उसकी वजह से। तो इसका आंसर 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 32, एट आइसोइलेक्ट्रिक pH द चार्ज ऑन प्रोटीन इज। बेसिकली आइसोइलेक्ट्रिक pH की बात करनी है, तो उसके बारे में डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी और चीज़ें देख लेते हैं। देखो ये जो अमाइनो एसिड है, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, अमाइनो ग्रुप के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो नेट चार्ज है वो क्या हो जाएगा? प्लस वन माइनस वन, है ना, यहाँ से प्लस वन आ गया, यहाँ से माइनस वन आ गया, और प्लस वन माइनस वन क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो आप ये कह सकते हो कि इसका जो नेट चार्ज है वो हो गया ज़ीरो, या फिर ये क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। अगर मैं pH को कम कर दूँ, pH कम यानी कि क्या हो जाएगा? H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन यानी प्रोटोन की कॉन्सेंट्रेशन जब ज़्यादा होती है तो क्या होता है, वो इंटरैक्ट करेगा इस O नेगेटिव के साथ, और वो ऐसा कंपाउंड या ऐसा अमाइनो एसिड बनाएगा बेसिकली, जहाँ पे O के साथ तो H अटैच होकर OH बना रहा है, लेकिन NH3 पे अभी भी एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इस अमाइनो एसिड का जो नेट चार्ज है वो हो जाएगा प्लस वन, क्योंकि टोटल इस पर कितना चार्ज है? एक चार्ज है, पॉजिटिव वन। अब अगर मैं pH को हाई कर दूं यानी OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दूं, तो उस केस में जो OH नेगेटिव है ये अमाइनो ग्रुप के साथ इस तरीके से इंटरैक्ट करेगा, ये इससे एक H लेके OH नेगेटिव और वाटर बना लेगा, और यहाँ पे रह जाएगा NH2। अभी भी इस अमाइनो एसिड में ये इंटरैक्शन होने के बाद भी O के ऊपर एक चार्ज है, दैट इज़ अ नेगेटिव चार्ज, तो इसका जो नेट चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? माइनस वन। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे बात की गई है आइसोइलेक्ट्रिक pH की। आइसो का मतलब होता है इक्वल, तो एक ऐसा pH जहाँ पे उस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड या उस पर्टिकुलर प्रोटीन के ऊपर जो नेट चार्ज है वो क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, मतलब इक्वल एज इन ज़ीरो हो जाए, यानी कि उसके ऊपर जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, और इसी वजह से वो आपस में कैंसिल आउट करके क्या कर लेंगे? नेट चार्ज ज़ीरो कर लेंगे, यानी न्यूट्रल हो जाएगा। और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी वही pH होता है जिसमें न्यूट्रल जो प्रोटीन है न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, समझ आ रहा है? आइसोइलेक्ट्रिक यानी कि इक्वल चार्ज है उस पर्टिकुलर में, मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, यानी कि इसका नेट चार्ज क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। तो ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शन नंबर 1, पॉजिटिव चार्ज ऑन प्रोटीन, दिस इज़ नॉट ट्रू। नेगेटिव चार्ज ऑन प्रोटीन, दिस इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू, क्योंकि ज़ीरो होता है। नो चार्ज ऑन प्रोटीन, नो चार्ज इज़ ऑल्सो अ रॉन्ग आंसर। रीज़न, क्योंकि चार्ज तो है लेकिन वो आपस में कैंसिल आउट करके एक दूसरे को वो क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं। तो जो फोर्थ ऑप्शन है, नेट चार्ज ऑन द प्रोटीन इज़ ज़ीरो, ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। तो हमारा 32 का आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 33, लैक इज़ अ मटीरियल विच इज़। बेसिकली लैक क्या होता है? देखो, देर इज़ अ फैमिली ऑफ इंसेक्ट जिसे हम बोलते हैं लैक इंसेक्ट। अब इस फैमिली की जो फीमेल मेंबर्स यानी फीमेल लैक इंसेक्ट जो हैं, वो अपने एग की प्रोटेक्शन के लिए एक सब्सटेंस को सिक्रीट करती है जिसे हम बोल देते हैं लैक।
अब वो तो अपने एग की प्रोटेक्शन के लिए इस लैक को यूज़ कर रही है, हम क्या करते हैं ह्यूमंस क्या करते हैं कमर्शियल पर्पसेस के लिए लैक को यूज़ करते हैं। लैक के वैक्सेस बनाने के लिए यूज़ हो जाता है, डाइज बनाने के लिए यूज़ हो जाता है। आजकल फिर भी लैक के डाइज जो है वो कम बनते हैं क्योंकि आर्टिफिशियल डाइज जो है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। बट क्योंकि ये एडिबल है तो इसको हम जूसेस में, ड्रिंक्स में या कैंडी में भी एज अ कलरेंट यूज़ हम कर सकते हैं। इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी होती हैं। तो बेसिकली हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, लैक इज़ अ मटेरियल विच इज़, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर टू देखो, प्रोटेक्टिव सिक्रीशन डिपॉजिटेड बाय दी फीमेल लैक इंसेक्ट। तो मैंने यही चीज़ बताई, लैक इंसेक्ट्स होते हैं उनकी फीमेल मेंबर्स जो होती हैं अपने एग की प्रोटेक्शन के लिए, इसी वजह से प्रोटेक्टिव एक सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं, इसलिए सिक्रीशन, और इस सब्सटेंस को कहते हैं लैक। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर 34, हार्डी वीनबर्ग लॉ गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल या लॉ बेसिकली क्या कहता है कि अगर कोई एक पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन है, तो जो उसकी अलील की फ्रीक्वेंसी है और जो जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगी। यानी अलील्स जीनोटाइप्स इसमें कोई भी तरीके का चेंज जो है वो विजिबली देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि इस तरीके की जो पॉपुलेशन है जिसकी इन्होंने बात की थी उसके अंदर ना नेचुरल सिलेक्शन होगी, ना म्यूटेशन होगी, ना माइग्रेशन होगी। बेसिकली इन्होंने एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात की है जो आइडियल सिचुएशन है, जो नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती है। नॉर्मल सिचुएशंस में तो नेचुरल सिलेक्शन भी होता है, म्यूटेशन भी होता है, माइग्रेशन भी होता है। ठीक है, इन्होंने एक और चीज़ बोली थी, इन्होंने कहा था कि जिस पॉपुलेशन की ये बात कर रहे हैं जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, अनचेंज रहनी चाहिए, वो पॉपुलेशन लार्ज होनी चाहिए और वहाँ पे रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। मतलब जितने भी वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक ही स्पीशी के होने चाहिए। थोड़े बहुत उनके अंदर डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे कलर का डिफरेंस हो सकता है, आइज़ का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन स्पीशी एक ही होनी चाहिए और सभी सेक्सुअली एक्टिव होने चाहिए, यानी कि रिप्रोडक्शन हो रही है उस पॉपुलेशन में। तो उस केस में इन्होंने बोला कि जब नेचुरल सिलेक्शन या म्यूटेशन या माइग्रेशन या पॉपुलेशन लार्ज है, मेटिंग हो रही है और सब सेक्सुअली एक्टिव है और सेम ही स्पीशी के हैं, तो उस केस में जो एलील के जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शंस पे आते हैं। हार्डी वीनबर्ग लॉ ने क्या क्या कहा था, नेचुरल सिलेक्शन ऑप्शन दिया हुआ है। मैंने कहा नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो सकता, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हो सकती, म्यूटेशन नहीं हो सकती। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, कॉन्स्टेंसी मेंटेन करी जा रही है। तो जैसा कि उनके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि जो टोटल जीन्स या जो एलील्स हैं एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में वो अनचेंज रहते हैं ओवर जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, तो अनचेंज रहते हैं यानी कि एक जीन्स का जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, यानी कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम की बात की है किसने, हार्डी वीनबर्ग लॉ ने। ठीक है, तो इसका आंसर 34 का क्या हो जाएगा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 35, द वर्टिकल माइग्रेशन ऑफ प्लैंकटन इज एन इंस्टेंस ऑफ सर्केडियन रिदम, सर्कैनुअल रिदम, फोटोपीरियोडिज्म या फोटोकाइनेसिस। तो पहले देख लेते हैं कि ये होता क्या है। जैसे आप हो, आपकी बॉडी इस तरीके से अडेप्टेड होती है ना कि अगर मान लो आप बहुत दिनों से 8 बजे ही खाना खा रहे हो रात को, तो आपको रात को 8 बजे ही भूख लगनी शुरू हो जाती है ना। अगर आप दिन में रोज़ 6 बजे उठ रहे हो, रेगुलरली उठ रहे हो, तो आपकी आदत बन जाती है कि आप 6 बजे आपकी जो है नींद खुल जाती है, अब आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक ऐसा टाइम आ जाता है। तो आपकी बॉडी जो है वो क्या कर रही है, बेसिकली दिन और रात के हिसाब से अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको एक रिदम में बांधे। रिदम क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि हर 24 घंटे बाद ये रिपीट होगी। ठीक है, तो इस वजह से रिदम। और अगर हमारी एक्टिविटीज़ 24 आवर्स की साइकिल के हिसाब से सेट हो जाएँ तो उसको हम बोलते हैं सर्केडियन रिदम। ठीक है, इसको हम दिन रात की साइकिल भी बोल सकते हैं। हमारी जो दिनचर्या है वो 24 घंटे की बन जाती है, उसके बाद रिपीट होती है, तो इसको बोलते हैं हम सर्केडियन रिदम। उसके बाद आता है आपका सर्कान्युअल। सर्कान्युअल यानी कि ये जो रिदम है ये साल भर में रिपीट होगी। जैसे माइग्रेशन होती है बर्ड्स की, साल में एक बार ही माइग्रेट करते हैं फिर वापस चले जाते हैं, तो ये साल भर में रिपीट होता है। अगले साल फिर माइग्रेट करेंगे फिर वापस चले जाएंगे, तो ये ईयरली है, इसलिए इसको सर्कान्युअल कहते हैं। ऐसे ही सर्कल, टाइडल सर्कल, लूनर, सेमी लूनर यानी मून के ऊपर डिपेंड करते हैं, टाइड के ऊपर, तो ये सारे अलग अलग होते हैं। यहाँ पे सर्केडियन सर्कान्युअल था, हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं फोटोपीरियोडिज्म की। मान लो कोई प्लांट है, ठीक है, उस प्लांट के अंदर जो फ्लावर्स हैं वो तभी खिलते हैं जब समर्स होती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर जो प्लांट है उसके जो फ्लावर्स हैं उनको ज़्यादा लाइट चाहिए कि वो खिल सकें। ठीक है, अगर उन्हें ज़्यादा लाइट नहीं मिलेगी तो वो खिलेंगे नहीं। तो यहाँ पे जो उनकी पीरियडिज्म या जो उनकी एक्टिविटी है ब्लॉसम करने की, वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, वो इस चीज़ पर डिपेंड कर रही है कि कितनी देर तक उनको लाइट से एक्सपोजर मिल रहा है। समर्स में ज़्यादा देर तक सन जो है वो रहता है आसमान में, सर्दियों में जल्दी रात हो जाती है,
इसी वजह से विंटर्स के अंदर उन्हें उतनी देर तक लाइट नहीं एक्सपोजर मिल रहा है टू लाइट, इसी वजह से वो सर्दियों में नहीं खिलते और समर्स में मिल जाते हैं, इस वजह से वो ब्लॉसम कर जाते हैं। तो जब लेंथ ऑफ डार्क या लाइट पीरियड पे डिपेंड कर रहा होता है हमारा पीरियडिज्म, तो उसे बोलते हैं फोटो पीरियडिज्म। फिर आता है फोटोकाइनेसिस। मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर मैं उसको राइट साइड से लाइट एक्सपोज करूँ और वो ऑर्गेनिज्म उस लाइट के टुवर्ड्स मूव करने लगे, अगर मैं लेफ्ट से करूँ तो लेफ्ट में मूव करने लगे, तो ये जो मूवमेंट है लाइट के रिस्पॉन्स में, इसको बोलते हैं फोटोकाइनेसिस। अभी टुवर्ड्स द लाइट भी हो सकता है, ये अवे फ्रॉम लाइट भी हो सकता है। अब हमने चारों टर्म्स देख लिए, अब हम बात करते हैं वर्टिकल माइग्रेशन ऑफ प्लैंकटॉन की। यहाँ हम बेसिकली जू प्लैंकटॉन की बात कर रहे हैं। जू प्लैंकटॉन क्या करते हैं, ये डीप वाटर में चले जाते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, और जब शाम हो रही होती है यानी सनसेट के टाइम पे ये वापस से सरफेस पे आते हैं। वहाँ पे सरफेस पे ही क्यों आते हैं सनसेट के टाइम पे, वहाँ पे फाइटोप्लैंकटन जो होते हैं उनके ऊपर फीड करते हैं। जू प्लैंकटन बेसिकली किस पे फीड करते हैं, फाइटोप्लैंकटन्स पे। तो सरफेस पे इनको फाइटोप्लैंकटन्स मिलते हैं, उन पे ये फीड करते हैं। तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये वहीं पे क्यों नहीं रह लेते, तो ये डीप वाटर में इसलिए जाते हैं क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे इनके जू प्लैंकटन के प्रीडेटर्स जो हैं वहाँ पे आते हैं, तो अपने आप को उन प्रीडेटर्स से बचाने के लिए ड्यूरिंग डे टाइम ये कहाँ चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। तो इनकी जो पीरियडिसिटी है, ये जो वर्टिकल माइग्रेशन है, डीप वाटर में जाना सुबह सुबह और शाम को वापस से सरफेस पे आना, अपना फीड करना फिर वापस नीचे जाना, ये जो पीरियडिसिटी है किस पर डिपेंड कर रही है, दिन और रात पे, है ना। और जब दिन और रात पे डिपेंड कर रहा था तो हमने उसे क्या नाम दिया था, 24 आवर साइकिल को, सर्केडियन रिदम। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है प्लैंकटन की वर्टिकल माइग्रेशन इनमें से कौन से ऑप्शन से इंस्टेंस रखती है, तो यहाँ पे 35 का आंसर क्या हो जाएगा, सर्केडियन रिदम। क्वेश्चन नंबर 36। अब देखो इसको समझाने के लिए मुझे आपको काफ़ी कुछ समझाना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, ठीक है, ताकि आपको आंसर जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए और कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए आपको कहीं पे भी। तो इसी वजह से ना हम इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, पूरी तसल्ली से इसको टाइम देके अच्छे से डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम बाकी के क्वेश्चंस कर लेते हैं 37 से 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, एक्सॉन स्किपिंग इज एसोसिएटेड विद। देखो क्या होता है, जब डीएनए से प्री एमआरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, तो प्री एमआरएनए से क्या बनता है, मैच्योर एमआरएनए, मतलब बीच में प्रोसेसिंग होती है जिसमें स्प्लाइसिंग भी होती है। मैच्योर एमआरएनए जो है वो अब जाके प्रोटीन्स बनाता है। तो ये जो स्प्लाइसिंग होती है इसमें क्या होता है, इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं प्री एमआरएनए में, है ना। इंट्रॉन्स जब हटा दिए जाते हैं, सारे के सारे एक्सॉन्स जो हैं वो आपस में लाइगेट कर जाते हैं, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग ऑफ एमआरएनए, ठीक। अब क्या होगा एक्सॉन स्किपिंग में, क्या होगा, ये जो एक्सॉन्स आने थे 1, 2, 3, 4, इनका जीन प्रोडक्ट आना था हमारे पास, अब हमारे पास क्या आ रहा है, 1, 3 और 4, यानी कि 2 को स्किप कर दिया, ठीक है, जैसा नेम बोल रहा है एक्सॉन को स्किप कर दिया। तो कोई एक एक्सॉन जब स्किप हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सॉन स्किपिंग, ठीक है। ये तो इसका जनरल कॉन्सेप्ट था। अब इसका एक एग्जांपल ले देते हैं, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। देखो डिस्ट्रॉफिन जीन जो होता है ये बहुत लंबा जीन होता है, इसके अंदर 79 एक्सॉन्स होते हैं। इन 79 एक्सॉन्स में से जो 52nd पोजिशन वाला जो एक्सॉन है ना वो मिसिंग होता है डुशेन इसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में। तो यहाँ पे जो 52 है वो मिसिंग है, तो कायदे से क्या होना चाहिए, 51 और 53 जो है वो लाइगेट कर जाएंगे और आगे अपना जो जीन प्रोडक्ट है वो दे देंगे, बट ऐसा नहीं होता। 51 जो है वो 53 के साथ लाइगेट कर नहीं पाता, जिसकी वजह से 53 के बाद वाले जितने भी एग्जॉन्स हैं वो भी इसके साथ लाइगेट नहीं कर रहे हैं, मतलब 53, 54, 55 इसके बाद वाले सब का लॉस हो जाएगा, है ना, हमारे जीन प्रोडक्ट में। तो क्या किया जाता है, ये जो 53 है ना इसको एक मॉलिक्यूलर पैच या किसी तरीके से इसको मास्क कर दिया जाता है इस तरीके से कि अब इस एग्जॉन को स्किप कर दिया जाएगा, यानी कि 51 अब सीधा किसके साथ लाइगेट कर जाएगा, 54 के साथ। तो ये पॉसिबल हो जाता है, 51 मैंने कहा 53 के साथ लाइगेट नहीं कर पाता बट वो 54 के साथ कर सकता है। तो अब जो हमारा एग्जॉन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 51, 54, 55। अब देखो इसका फ़ायदा क्या हुआ, आप बोलोगे कि 53 तो फिर भी लॉस हो रहा है, लेकिन क्या है, म्यूटेशन तो यहाँ है, आई एग्री, लेकिन हो क्या रहा है, जो म्यूटेशन बहुत ज़्यादा हार्मफुल थी हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, लेस हार्मफुल में, यूजिंग एक्सॉन स्किपिंग। तो ये एग्जांपल समझ में आया, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, डिस्ट्रॉफिन जीन में हमने देखा जिसके अंदर 79 एक्सॉन्स थे उसमें 52 जो है वो मिसिंग था इस पर्टिकुलर डिस्ट्रॉफी में। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखो, एक्सॉन स्किपिंग इज एसोसिएटेड विद, लुक एट ऑप्शन नंबर 2, आरएनए प्रोसेसिंग म्यूटेशन। देखो ये म्यूटेशन है और आरएनए प्रोसेसिंग के टाइम पे हो रही है, तो इसको हम बोल सकते हैं एक्सॉन स्किपिंग इज एसोसिएटेड विद आरएनए प्रोसेसिंग म्यूटेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 38, बाइल इज़ प्रोड्यूस्ड इन आर बॉडी विच, बेसिकली ये बाइल का फंक्शन पूछ रहे हैं। जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं ना, उनके अंदर हाइड्रोफोबिक पार्ट भी होता है, उनके अंदर हाइड्रोफिलिक पार्ट भी होता है। हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हेटिंग, ठीक है। अब क्या होता है, मान लो कोई लिपिड प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो बाइल सॉल्ट्स हैं ये क्या करेंगे, उस लिपिड को घेर लेंगे। किस तरीके से घेरेंगे, कि इनका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो तो बाहर की साइड रहे और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो इस लिपिड से अटैच्ड रहे। अब इससे आपको कुछ चीज़ याद आ रही होगी, डिटर्जेंट का जब हम पढ़ते हैं मिशेल फॉर्मेशन, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, मिशेल फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पे इस लिपिड को किसने घेर लिया, बाइल सॉल्ट ने घेर लिया। अब क्या होगा, एंजाइम्स जो हैं वो इन ये जो बाइल सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स हैं इनके थ्रू निकल निकल के उस लिपिड तक पहुँचेंगे, उसको ट्राइग्लिसराइड यानी हायर ऑर्डर से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड्स में, जिनकी एब्जॉर्प्शन विलय कर लेगा इन इंटेस्टाइनल वॉल्स, ठीक है। पूरा प्रोसेस समझ में आया, कैसे बाइल सॉल्ट्स ने किया। तो इसको हम बेसिकली ये कह सकते हैं इमल्सिफिकेशन में हेल्प करें। इमल्सिफिकेशन बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो पानी के अंदर अगर मैं तेल डाल दूँ तो वो मिक्स नहीं होगा, है ना, सेपरेटेड रहेगा। सेम ये चीज़ कर रहा है कि लिपिड और के अराउंड जो है एक लेयर बना रहा है कि वो बाकी जो कॉम्पोनेंट है उससे सेपरेटेड रहे, ठीक है। तो ये इमल्सिफिकेशन में हेल्प कर रहा है। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से पहला ऑप्शन देखो, एक्ट एज अ सर्फेक्टेंट टू इमल्सिफाई लिपिड्स इन इंटेस्टाइन, ठीक है। रिलेट कर रहे हो इसको, जिस जो मैंने बताया इंटेस्टाइन में जो लिपिड्स हैं उनकी इमल्सिफिकेशन में एक्ट कर रहा है कौन, बाइल। और प्रोसेस मैंने बता ही दिया कि वो मिशेल फॉर्मेशन करेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएंगे थ्रू एंजाइम्स और फिर उनकी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी इंटेस्टाइनल वॉल्स में बाय विलय। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का क्या, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, द इनर सेल मास ऑफ ममेलियन ब्लास्टोसिस्ट डेवलप इनटू। देखो यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट अगर हम देखें, ममेलियन ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर देखें, तो उसकी एक आउटर लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, फिर उसके बाद एक कलेक्शन ऑफ सेल्स होता है उसे बोलते हैं हम इनर सेल मास, और यहाँ पे एक कैविटी होती है जिसे हम बोल देते हैं ब्लास्टोसील या फिर ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। अब इन्होंने ये पूछा है कि इनर सेल मास ऑफ ममेलियन ब्लास्टोसिस्ट डेवलप्स इनटू, ये इनर सेल मास क्या बनाएगा। सेल की फेट अटेन होती है ना, एक आगे जाके स्पेशलाइजेशन होती है सेल्स की और वो कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ बनाते हैं। तो ये चीज़ पूछ रहे हैं कि ये इनर सेल मास क्या बनाएगा। देखो ये जो ट्रोफोब्लास्ट होता है ये तो जाके प्लेसेंटा बनाता है। इनर सेल मास के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं जो कि हर तरीके के सेल्स बना सकते हैं जो कि एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि इनर सेल मास जो है वो पूरा का पूरा एम्ब्रियो बनाता है, मतलब द एंटायर एम्ब्रियो विच इज़ फॉर्म्ड वो इनर सेल मास से ही बनता है, यानी यहाँ के सेल से बनता है। तो ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाता है, प्लेसेंटा बनाता है। बाकी पूरा का पूरा एम्ब्रियो कौन बनाता है, इनर सेल मास बनाता है जिसके अंदर ट्रू एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं। ऑप्शंस पे आते हैं, इनर सेल मास ऑफ ममेलियन ब्लास्टोसिस्ट डेवलप इनटू ऑल द एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स विच इज़ ट्रू। जैसे मैंने अभी बताया कि सारा का सारा जो एम्ब्रियो है वो कौन बना रहा है, इनर सेल मास बना रहा है। तो ऑल द एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर इज़ द ट्रू आंसर। एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, सिर्फ एंडोडर्म नहीं बना रहा, उसके बाद प्लेसेंटा दो दिए हुए दोनों ऑप्शन में, प्लेसेंटा कौन बना रहा है, ट्रोफोब्लास्ट बना रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 40, दी आइसोफॉर्म या आइसोफॉर्म्स ऑफ एक्टिन प्रेजेंट इन मसल सेल्स। बेसिकली ये किसकी बात कर रहे हैं, आइसोफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, और ये पूछ रहे हैं मसल सेल्स में कौन सी होती है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि कितनी होती है, मेनली एक अल्फ़ा होती है, एक गामा होती है और एक बीटा होती है। इसकी भी फर्दर डिविजन होती है, अल्फा स्केलेटल एक्टिन, अल्फा स्मूथ एक्टिन, अल्फा कार्डियक एक्टिन, गामा स्मूथ एक्टिन। ये जो चार मैंने अभी बताई, ये चारों के चारों स्केलेटल, कार्डियक, स्मूथ मसल्स, इनमें पाई जाती हैं, ठीक है। ये वाली आइसोफॉर्म्स जो है एक्टिन की, इन मसल सेल्स में पाई जाती हैं। इसके अलावा होती हैं बीटा साइटो एक्टिन, गामा साइटो एक्टिन, ये जो हैं पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म में एवरीवेयर दे आर फाउंड, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। तो हमसे इन्होंने पूछा है मसल सेल्स में कौन सी होती है। तो पहला ऑप्शन क्या है, बीटा एक्टिन। मैंने जो ऑप्शंस बताए हैं चार जो मसल्स में होते हैं उनमें कहीं भी बीटा नहीं है। तो ये जो तीन ऑप्शंस हैं जिनमें बीटा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल, ऑप्शन नंबर 2 कैंसिल, ऑप्शन नंबर 4 कैंसिल, क्योंकि इनमें बीटा दिया हुआ है और बीटा जो है वो यहाँ पे मसल्स में मैंने कहीं भी नहीं बताया। बीटा किसमें है, बीटा साइटोएक्टिन है जो कि हर जगह प्रेजेंट होता है, सिर्फ मसल्स में नहीं। अब ऑप्शन कौन सा रह गया, अल्फा एक्टिन, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि अल्फा एक्टिन यहाँ पे प्रेजेंट है, अल्फा स्केलेटल भी, अल्फा स्मूथ भी, अल्फा कार्डियक भी, इसके अलावा एक गामा स्मूथ है, ठीक है। तो 40 का आंसर हो जाता है हमारा 3rd ऑप्शन। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे।
ट्रेडमिलिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट इन द स्टेडी स्टेट अकर्स एट जी एक्टिन कॉन्सेंट्रेशन. तो यहाँ पे काफ़ी सारे टर्म्स है, ट्रेडमिलिंग, एक्टिन फिलामेंट, स्टेडी स्टेट, जी एक्टिन कॉन्सेंट्रेशन. तो मैं पहले बता देती हूँ इन्होंने पूछा क्या है कि जी एक्टिन की किस कॉन्सेंट्रेशन पे एक स्टेडी स्टेट का जो एक्टिन फिलामेंट है उसकी ट्रेडमिलिंग शुरू हो जाएगी. देखो बेसिकली क्या होता है, जो जी एक्टिन होते हैं ना वो मोनोमर्स होते हैं, ठीक है. इनकी पॉलीमराइजेशन होती है यानी कि इनकी चेन बनती है और उसको हम बोलते हैं एफ एक्टिन, ठीक है. अब ये जो एफ एक्टिन है इसका पॉजिटिव एंड भी होता है, नेगेटिव एंड भी होता है. उस पर आने से पहले मैं बता दूँ कि जो एफ एक्टिन बनता है जी एक्टिन की पॉलीमराइजेशन से, इसके तीन स्टेप्स हैं, न्यूक्लिएशन, एलोंगेशन और एक हमें देखने को मिलती है स्टेडी स्टेट. न्यूक्लिएशन में क्या होता है, तीन जी एक्टिन आके आपस में अटैच हो जाते हैं. एलोंगेशन में क्या होता है, इन तीन से जो आपस में आके अटैच हुए हैं शुरुआत में न्यूक्लिएशन के टाइम पे, एलोंगेशन जब हो रही होती है तो उस टाइम पे बाकी के जो जी एक्टिन के मोनोमर्स है वो आके इन्हीं तीन के अराउंड अटैच होना शुरू हो जाते हैं, फ्रॉम द राइट, फ्रॉम द लेफ्ट, दोनों साइड से. लेकिन जो दूसरी साइड है जिसको एक को हम बोलते थे नेगेटिव एंड और एक को बोलते थे पॉजिटिव एंड, तो ये जो पॉजिटिव एंड है ये हम उस एंड को बोलते हैं जहाँ पे ये जो एडिशन हो रहा है जी एक्टिन का ये 10 गुना ज़्यादा है, यानी 10 टाइम फास्टर है. तो 10 टाइम्स फास्टर है जहाँ पे ये प्रोसेस एलोंगेशन का, उस एंड को बोल देते हैं पॉजिटिव एंड. और दूसरा एंड हो जाता है नेगेटिव एंड जहाँ पे स्लो है, ठीक. अब एक चीज़ यहाँ पे देखना, यहाँ पे एटीपी का रोल होता है. देखो ये जो जी एक्टिन जाके बाइंड कर रहा है ना पॉजिटिव एंड पे, ये ऐसे ही नहीं बाइंड कर रहा है, इसके पास एटीपी बाउंड है. ये जो जी एक्टिन मोनोमर्स हैं ये एटीपी से बाउंड है, इसे बोलते हैं हम एटीपी जी एक्टिन बोल सकते हैं. ये जाके पॉजिटिव एंड से बाइंड करते हैं. तो जैसे जैसे ये बाइंड करते जाते हैं फिर इनका जो हाइड्रोलिसिस है वो होता रहता है. जब हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो ये एडीपी से बाउंड है. अब ये इस स्टेट में होते हैं कि ये ईजिली डिसोसिएट हो जाएं इस चेन से, इस फिलामेंट से. तो नेगेटिव साइड पे से ये डिसोसिएट होते रहते हैं, ठीक है. फिर डिसोसिएट हो गए तो क्या होगा, इनके पास अब एडीपी है, फिर वो एटीपी में चेंज हो जाता है, फिर एटीपी वाले जो जी एक्टिन है वो जाके बाइंड करेंगे पॉजिटिव से, फिर उनका हाइड्रोलिसिस होगा, एडीपी हो जाएगा, फिर हट जाएंगे. तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी ट्रेडमिलिंग चलती रहती है. तो ट्रेडमिलिंग समझ आ गया, एक्टिन फिलामेंट क्या होता है वो समझ में आ गया. अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि पॉजिटिव एंड से जुड़ते जा रहे हैं और 10 टाइम्स फास्टर जुड़ रहे हैं, और नेगेटिव एंड से डिसोसिएट होते जा रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं, ठीक है. कौन जुड़ रहे हैं, जी एक्टिन के मोनोमर्स, ताकि एफ एक्टिन का जो फिलामेंट है वो बन जाए. इसकी जो लेंथ है यहाँ पे चेंज होती जा रही है ना. एक ऐसी स्टेट आती है स्टेडी स्टेट जहाँ पे इसकी लेंथ चेंज होना बंद हो जाती है. मतलब एसच तो एडिशन और डिसोसिएशन हो रही है एक्टिन की, जी एक्टिन की, पर जो नेट चेंज है लेंथ में वो नहीं, वो ज़ीरो हो जाता है. मतलब उसमें कोई नेट चेंज नहीं हो रहा होता, लेंथ उतनी रह रही होती है, जितने एडिशन उतने ही डिसोसिएशन. तो बेसिकली अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, जैसे मान लो ये फिलामेंट है, स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं अब हम, ये फिलामेंट है, ठीक है. एक चीज़ होती है सीसी, जैसे आप इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में देखोगे एक चीज़ ये है सीसी, इसको बोलते हैं क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन. ये वो ये बेसिकली एटीपी जी एक्टिन की कॉन्सेंट्रेशन लेवल है, ठीक है. इस कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा अगर होगा एटीपी जी एक्टिन तो ही वो जाके बाइंड करेगा, या तो पॉजिटिव एंड चाहे नेगेटिव एंड, ठीक है. अगर इससे कम होगा तो बाइंड नहीं करेगा, डीपॉलीमराइजेशन होगी. तो सीसी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक थ्रेशोल्ड है जिससे ज़्यादा हमें जी एक्टिन यानी एटीपी बाउंड जी एक्टिन चाहिए ताकि एडिशन हो जी एक्टिन की उस फिलामेंट में, ठीक है. तो ये थ्रेशोल्ड है, अगर इससे ज़्यादा होंगे तो पॉलीमराइजेशन होगी, इससे कम होंगे तो क्या होगी, डीपॉलीमराइजेशन होगी. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखो. अगर सीसी से ज़्यादा होगी कॉन्सेंट्रेशन जी एक्टिन की तो पॉलीमराइजेशन होगी, अगर कम होगी तो डीपॉलीमराइजेशन होगी. अब यहाँ पे जैसे मान लो ये मैंने बताया कि ये फिलामेंट है, ये पॉजिटिव एंड मान लेते हैं, ये नेगेटिव एंड मान लेते हैं. दोनों एंड्स का जो सीसी है वो डिफरेंट होता है, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होती है. तो ये यहाँ पे अगर मुझे करवानी है एडिशन तो मुझे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रखनी पड़ेगी. पॉजिटिव एंड पे तो रेडिली हो रही है ना एटीपी के साथ बाइंड होके, है ना. तो वहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन अगर कम भी रखें तो भी वो रेडिली बाइंड हो जाता है. तो सीसी है वो पॉजिटिव एंड पे कम होता है, नेगेटिव एंड पे वो क्या होता है, ज़्यादा होता है. इतना आगे समझ में. तो अब बात आती है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है. ये तो मैंने आपको जनरल इन्फॉर्मेशन बता दी जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ. अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देखो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना ये कुछ सिचुएशंस हैं कि कहाँ पे क्या ज़्यादा होगा, कहाँ पे क्या कम होगा. मैंने आपको बताया अगर सीसी से ज़्यादा है जी एक्टिन की कॉन्सेंट्रेशन तो पॉलीमराइजेशन हो जाएगी, अगर सीसी से कम है तो डीपॉलीमराइजेशन हो जाएगी. बस इतना याद रख लेना, ठीक है. हम वो मैच कर करके देखते जाएंगे कहाँ पे कौन से ऑप्शन में कहाँ पे पॉलीमराइजेशन हो रही है, कहाँ पे डीपॉलीमराइजेशन हो रही है. और हमारी प्रायोरिटी क्या है कि पॉजिटिव साइड पे पॉलीमराइजेशन होनी चाहिए, तो हमें वही ऑप्शन ढूंढना है.
तो सबसे पहले दिया हुआ है बिलो द सी सी ऑफ द नेगेटिव एंड, यानी नेगेटिव एंड के सी सी से कम है जी एक्टिन की कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर कम है यानी कि डीपॉलीमराइजेशन हो जाएगी सी सी के नेगेटिव एंड से, फिलामेंट के नेगेटिव एंड से डीपॉलीमराइजेशन हो जाएगी क्योंकि जी एक्टिन की कॉन्सेंट्रेशन उसके सी सी से कम है। यहाँ पे इन्होंने पॉजिटिव की तो बात ही नहीं की हुई है ना, तो हम इसको कंसिडर अभी नहीं कर सकते। सेकेंड की बात करते हैं अबव द सी सी ऑफ द नेगेटिव एंड। अबव द सी सी ऑफ द नेगेटिव एंड यानी कि नेगेटिव एंड के सी सी यानी क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा है जी एक्टिन की कॉन्सेंट्रेशन। तो जब जी एक्टिन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है सी सी से तो क्या होता है, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होगा इस केस में। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो नेगेटिव पे क्या दिखा रहे हैं, पॉलीमराइजेशन होगा। इन्होंने और क्या लिखा हुआ है, बट बिलो द सी सी ऑफ द पॉजिटिव एंड, तो जो पॉजिटिव एंड का सी सी है उससे क्या होगी, कम होगी जी एक्टिन की कॉन्सेंट्रेशन। और जब कम होती है जी एक्टिन सी सी से तो क्या होता है, डीपॉलीमराइजेशन। तो ये क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव एंड पे क्या हो जाएगा, डीपॉलीमराइजेशन हो जाएगा। अब देखो ये कह रहे हैं कि सेकेंड ऑप्शन की बात करें, ये कह रहे हैं कि नेगेटिव पे तो पॉलीमराइजेशन होगा और पॉजिटिव पे जो होगा वो डीपॉलीमराइजेशन होगा, जो कि गलत हो जाता है। स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि पॉजिटिव एंड पे पॉलीमराइजेशन यानी कि एडिशन ऑफ जी एक्टिन वो ज़्यादा तेज़ी से होता है, इनफैक्ट 10 times फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव एंड। तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है क्योंकि ये बोल रहे हैं पॉजिटिव पे क्या बोल रहे हैं, ये डीपॉलीमराइजेशन कराने की बात करें, जो कि गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड पे आते हैं, अबव द सी सी ऑफ द पॉजिटिव एंड यानी कि पॉजिटिव एंड का जो सी सी है उससे ज़्यादा जी एक्टिन प्रेजेंट है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, अगर ज़्यादा है जी एक्टिन सी सी से तो पॉलीमराइजेशन होती है, तो पॉजिटिव एंड पे क्या बता रहे हैं, पॉलीमराइजेशन होगी। बट बिलो द सी सी ऑफ द नेगेटिव एंड, नेगेटिव एंड के सी सी से क्या होगा, कम होगा, यानी नेगेटिव एंड पे क्या होगा, डी पॉलीमराइजेशन। यही बोल रहे हैं ना ये ऑप्शन नंबर थर्ड में, पॉजिटिव एंड पे पॉलीमराइजेशन, नेगेटिव एंड पे डी पॉलीमराइजेशन। दिस इज़ वॉट वी वॉन्टेड, यही तो हमें चाहिए था कि पॉजिटिव एंड पे एडिशन होती जाए और नेगेटिव एंड से क्या हो, डीपॉलीमराइज हो। यही होता है प्रोसेस, एटीपी के साथ बाइंड करते हैं जी एक्टिन, पॉजिटिव पे जाके ऐड हो जाते हैं यानी पॉलीमराइजेशन होती है, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस होती है, एडीपी से बाउंड होता है तो वो नेगेटिव साइड से क्या हो जाता है, डिसोसिएट होना शुरू हो जाता है, डीपॉलीमराइज होनी शुरू हो जाती है नेगेटिव एंड। तो वही चीज़ हमें चाहिए थी और वही इस ऑप्शन में जो सिचुएशन दिया उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव में पॉलीमराइजेशन हो रही है, नेगेटिव में डीपॉलीमराइजेशन। तो ये जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाता है। फिर भी फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ में बोला है अबव द सी सी ऑफ द पॉजिटिव एंड, यानी पॉजिटिव एंड के सी सी से ज़्यादा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि नेगेटिव एंड के सी सी से कम है या ज़्यादा है या क्या है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को भी हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा फेवरेबल ऑप्शन है वो है थर्ड ऑप्शन। जैसे मैंने आपको बताया, थर्ड ऑप्शन अलाउ कर रहा है कि पॉजिटिव एंड पे पॉलीमराइजेशन हो और नेगेटिव एंड पे क्या हो, डी पॉलीमराइजेशन हो, ठीक है। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, अबव द सी सी ऑफ द पॉजिटिव एंड बट बिलो द सी सी ऑफ द नेगेटिव एंड, सी सी यानी क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। तो चलो ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया। बट अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में, सिर्फ इसी क्वेश्चन में नहीं, बाकी जितने भी आज हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो पहले किए हैं, उनमें किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज हमने कितने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, हमने आज 10 questions डिस्कस किए हैं, 40 तक हमने कवर अप कर लिए हैं आज की डेट में। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम वो नेक्स्ट जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूँगी इन अ डे और टू उसमें कवर अप कर लेंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, बेल आइकन को भी दबाना सो दैट आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। एंड कमेंट करके भी बताना कि इसके बाद कौन सा पेपर डिस्कस करना चाहिए। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए हैव अ गुड डे लर्नर्स एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।